प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धूमेश्वर महादेव तलमेड़ा, और यहाँ पे श्रावण माह में असंख्य भक्त जन उमड़ते हैं, लेकिन कोरोना महामारी ने तमाम जो रिवायतें थी धार्मिक महत्व, सोमवार को यह मेला होता था आम दिनों में भी, उन पर एक तरीके से रोक लगा दी है बीमारी के चलते। ऐसे में जो भक्तजन यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए हमने सीधी पंजाब केसरी टीवी के जरिए जो व्यवस्था की है, और ये सबसे ऊंचे जिला ऊना के सबसे ऊंचे स्थल पर धूमेश्वर महादेव मंदिर, और
काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, हिमाचली ही नहीं पंजाब उत्तर भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लेकिन जब से कोरोना का यह संकट आया है तब से भक्तों को भक्त दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको करवाएंगे सीधे दर्शन। और आज सावन का ये पहला सोमवार, यहाँ विशेष पूजा अर्चना जो चली हुई है और काफ़ी यहाँ के जो आसपास के गांव के श्रद्धालु यहाँ पे उन्हें ही आने की अनुमति है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और ये मंदिर प्राचीन मंदिर पूजा अर्चना यहाँ पे विशेष तौर पर की जा रही है। कहाँ से आए हैं, तो हर वर्ष यहाँ पे जब सावन माह होता था तो हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते थे, इस बार नहीं है। तो जी, तो क्या दिक्कत है श्रद्धालुओं को? तो ये प्राचीन आप आइए, नहीं तो यथासंभव आपसे प्रार्थना की है, तो होगा जिस भी भाव से आपका पूर्ण किया है और जो भी हमारी मनोइच्छा मनोकामना उसको पूर्ण कीजिएगा। हरि ओम ओम शमशानी पाकिरा हर हर विशाच सहजरा चिता भस्मानी पा सगा पितृकरो परिकर अमंगलं क्षीरं तव भवतु नामेव यगिरं तथापि समेत्रीणाम परिद परमं मंगलं मदि परिद परमं मंगलं मदि आत्मां त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजादिव शिवयोगरचना निद्रा समाधि सञ्चारापदियो प्रलक्ष्मभिः रोत्राणि सर्वागिवो यद्यत्कर्म करोमि तत् यजिरं शम्भो द्वाराधरम् शम्भो द्वाराधरम्। ॐ गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख सम्पत्ति पुनः गवदर्शना पापो पापात्मा पापकर्म सम्भव पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव इति भावेन मन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि श्रीदेवादिदेवेष्मादेवाय त्रिमुनिभ्यो नमो नमः। अथ आराध्यं कृत्वा श्रीदेवादिदेवेष्मादेवाय त्रिमुनिभ्यो नमो नमः। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। ओम गर्भो
स्थित प्राचीन ध्योमेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन मंदिर है और ये है तलमेड़ा स्थित प्राचीन ध्योमेश्वर महादेव मंदिर और श्रावण का पहला सोमवार है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते थे लेकिन महामारी के चलते इस बार प्रतिबंध है।
और यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना चल रही है। कुछ ग्रामीण आए थे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ये पहला मौका है जब भक्तजन यहाँ पे अपने आराध्य देव भगवान शंकर जी का जलाभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पंजाब केसरी टीवी ने आपके लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की है। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और इसका काफ़ी बड़ा महत्व है। आप पा रहे हैं सीधी तस्वीर है महादेव मंदिर, प्राचीन धूमेश्वर महादेव मंदिर तलमेड़ा, और जो है वो काफ़ी सघन वन क्षेत्र है। बीच में यहाँ पे मंदिर है, करीब 500 वर्ष यह मंदिर है, और यहाँ पे पूजा अर्चना का एक विशेष महत्व है। भले ही आप यहाँ पे नहीं आ पाए हों, लेकिन आपके लिए विशेष तौर पर ये व्यवस्था हमने दर्शनों की है। और बेलपत्र यहाँ पे लगाए गए हैं और भगवान शंकर जी को ये अर्पित किए जाते हैं हर रोज। काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है, इसका अपना महत्व है। यहाँ पूजा अर्चना करने पर विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है ऐसा माना जाता है। और चारों तरफ बेलपत्री, सघन जो वन क्षेत्र है यहाँ पे, और काफ़ी कम श्रद्धालु जो हैं वो इस बार यहाँ पे आ पा रहे हैं, कानूनी बंदिशें हैं। महामारी दूर हो इसके लिए यहाँ पे विशेष तौर पर जप तप और हवन जय शंकर जी। आप सभी श्रद्धालुओं को पहले सर्वप्रथम श्रावण मास के बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जो हिंदू धर्म में इस श्रावण मास का विशेष महत्व है, कष्टों को हरने वाले हैं। तभी भोलेनाथ जी के आगे सबसे पहले ये भी प्रार्थना की जाती है कि काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, संताप हर, हर हर महादेव। सर्व कष्टों को हरने वाले, नाना प्रकार की व्याधियों को हरने वाले और सुख संपदा के ऐश्वर्य को देने वाले भोलेनाथ जी हैं। और इसी से भोलेनाथ जी की सब सुधारों के ऊपर कृपा होती है। लेकिन आजकल महामारी के चलते सभी श्रद्धालुओं को भी निराश होना पड़ रहा है, क्योंकि उनको जो है दर्शन नहीं हो पाते हैं, सिर्फ लाइव दर्शन ही होते हैं। और यहाँ पर केवल मात्र एक विशेष पूजा अर्चना ही होती है, जो प्रतिदिन भोलेनाथ जी को श्रावण मास में जो नित्य पहले की भांति होती, उसी प्रकार रुद्राभिषेक, जैसा कि अभी आपने दिखाया अभिषेक चल रहा था, उसके उपरांत पूजा अर्चना हुई, इसी प्रकार नित्य यहाँ पे भोलेनाथ जी का जलाभिषेक किया जाता है। और विशेषकर श्रावण मास के महात्म्य में इस महामारी से निवारण हेतु या रुद्राभिषेक किया, ताकि समस्त श्रद्धालुओं को भगवान भोलेनाथ इस महामारी से बचाएं और जल्द से जल्द इस महामारी का निवारण हो, ऐसा हमारी भोलेनाथ जी के आगे विनय प्रार्थना है। भोले शंकर भगवान की।
तो हमारे साथ हैं मंदिर ट्रस्ट के जो प्रमुख हैं श्री प्रवीण शर्मा, उनसे जानते हैं कि चूँकि भक्तजन नहीं आ पा रहे हैं तो किस प्रकार से यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी टीवी स्पेशली सुरेंद्र शर्मा जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप समय समय श्रद्धालुओं को अपने पंजाब केसरी टीवी लाइव के माध्यम से दर्शन कराते हैं। तो ऐसा है कि श्रावण माह जो है संक्रांति 16 तारीख से शुरू हो गया था, आज श्रावण माह का पहला सोमवार है और पूरा जो मंदिर है वो पूरी तरह से सुनसान है। यहाँ पे जो है एक चावल फेंकने के लिए जगह नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा भारी रश होता था, पंजाब से हिमाचल से भारी संख्या में श्रद्धालु आते थे। परंतु आज आप देख रहे हैं कि एक विशेष पूजा जो है श्रावण माह के महत्व में जो ट्रस्ट द्वारा आयोजित की गई है और इस कोरोना नामक जो ये वायरस है इस महामारी की रोकथाम के लिए जो है ये 30 दिन पूरे श्रावण माह जो है ये डेली भगवान शिव जी का जलाभिषेक चलेगा। तो आजकल जो है श्रद्धालुओं का यहाँ पे आना जाना बहुत कठिन है क्योंकि सरकार की तरफ से भी जो अधिसूचना जारी हुई है कि मंदिर के कपाट बंद रहेंगे, इसलिए बस जो विशेष पूजा होती है वही हो रही है। धन्यवाद। तो ये है प्राचीन भुवनेश्वर महादेव मंदिर का मेला, चूँकि भक्तजन नहीं आ रहे हैं ऐसे पंजाब केसरी टीवी ने विशेष तौर पर व्यवस्था की है लाइव दर्शन की, आप दर्शन कीजिए और घर पर बैठकर भगवान भोले शंकर का ध्यान कर उनकी आराधना करें। हर हर महादेव, जय शंकर भगवान।